मॉम्स फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है, जो घंटी का आइकन है, उसको ज़रूर टैप करें ताकि आपको जो मैं लेटेस्ट रेसिपीज़ अपलोड करता हूँ उनकी नोटिफिकेशन मिल सकें। ऑल पे टैप करके ओके भी टैप कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉम्स फूड डायरी। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाया हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो बांगड़ा फिश होता है यानी कि इंडियन मैकरल, उसको साफ़ करने का कम्प्लीट तरीका लाया हूँ और साथ में बीच बीच में पूरे टिप्स भी लाया हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने बांगड़ा जो फ़िश को भिगो के रखा है, सबसे पहले जो होती है हमको उसके फिन्स कट करने होते हैं। ये देखिए ऊपर और आगे पीछे और उसके साइड में फिन्स होते हैं, तो ये सबसे पहले हम उसके फिन्स यानी कि जो पर बोलते हैं उसको, फिन्स को कट कर लेंगे। अगर आपके पास अच्छी वाली चाकू है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। यहाँ पे देखिए हम उसके पूरे फिन्स कट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट मैटर दिखाऊंगा, एंड तक देखिएगा, अंदर भी सब दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं। इसके ऊपर जो है यहाँ पे देखें ये स्केल्स होते हैं, इसके लिए हमको इसको इसके ऐसे इस तरीके से उसको रब करना होता है तो उसके स्केल्स निकल जाते हैं चारों तरफ से, उसको स्केल्स होते हैं फ़िश को। ये जो ये फिश है ये बांगड़ा फिश है, इंडियन मैकरल है बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम उसको इस तरीके से रब कर लेंगे तो पूरा सारी तरीके से उसके स्केल्स निकल जाएंगे, ऊपर से भी हमने कर लिए हैं। दोस्तों ये मेथड आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे करी टेस्टी बनती है। अभी हमने उसकी जो सर यानी कि जो मुंडी होती है फ़िश की वो निकाल ली है। यहाँ पे ऊपर से हमें कट कर लेंगे ताकि अंदर की चीज़ें निकाल सकें, थोड़ा सा कट कर लेंगे ऊपर हम, और जो अंदर जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एडिबल चीज़ें भी होती हैं, मैं आपको वो बताऊँगा नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से उसको निकाल लिया है और अब हम उसको थोड़ा भिगो लेंगे पानी में। यहाँ पर देखिए हम उसको, दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़िश है इंडियन मैकरल, ये फ़िश और एक होती है सरडाइन जिसको ताली बोलते हैं, ये दो फिश को ज़्यादा धोने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा स्मेल होती है। तो ये जो मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरी स्मेल निकल जाएगी, जो ज़्यादातर स्मेल नेग्लिजिबल हो जाएगी इसमें, मतलब थोड़ी स्मेल रह जाएगी और टेस्टी भी बनेगी करी। तो ये हमने यहाँ पर देखे कैसे साफ़ हो गई है अंदर से, ये इस तरीके से आप साफ़ कीजिएगा कोई भी फ़िश। ये बांगड़ा फ़िश है इंडियन मैकरल, तो अब हम इसकी जो दुम होती है टेल वो कट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इसके बाद ये फ़िश कम्प्लीटली कट होके तैयार हो चुकी है, अब हम इसको धोना बाकी है, इसको साफ धोना इसको बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें एडिबल होती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आप येलो कलर की चीज़ देख रहे हैं ये फ़िश के एग्स होते हैं, ये फ़िश के एग्स कम्प्लीटली एडिबल होते हैं और ये ज़्यादातर फ्राई किए जाते हैं। तो ये अब हम निकाल के अलग रख लेंगे। और ये जो है लीवर है फ़िश का, ये फ़िश का लीवर और एग्स हम उसको भी धो के अलग रख लेंगे, ये एडिबल होते हैं। तो यह सेकंड अभी मेथड ये है कि इसको कैसे साफ़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमने नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून, इतनी फ़िश के लिए काफ़ी है। और इसको हम इसमें एक बड़े से पतीले में डाल के इसको ऐसे रगड़ेंगे, थोड़ा इसको रब करेंगे ऐसे अच्छी तरीके से, ताकि ये नमक से धोने से ये फ़िश बहुत ही क्लीन हो जाती है और इसकी स्मेल कम होती जाती है और टेस्टी जो करी की टेस्ट होती है वो बढ़ जाती है इसमें। आप हर फिश को ऐसे ही साफ़ कीजिएगा। और ये जो बांगड़ा और सरडाइन होता है इसको थोड़ा ज़्यादा लगता है, यहाँ पे हम पानी से इसको पानी डाल के इसको धो लेंगे। ये प्रोसेस आप पानी डाल के धोने का प्रोसेस आप 3 से 4 बार रिपीट कर लीजिएगा तो ये बिल्कुल ही पूरी साफ़ हो जाएंगी मछलियाँ। यहाँ पे देखिए ये हमने इसको इस तरीके से रब करके पानी का जो प्रोसेस है, पानी को डाल के इसको हमने 3 से 4 बार कर दिया है और ये हमारी फ़िश बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है, धो के साफ़ होके रेडी है ये। आप इसके बाद में इसकी करी या फ्राई जो भी करना है कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए ये जो लीवर और एग्स हैं ये हमने धो के साफ़ कर रखे हैं, ये फ्राई किए जाते हैं यूजुअली, करी में भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मुंडी जो सर होता है मछली का, ये डालने से करी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर मछली फ्रेश हो तो। और यहाँ पर देखिए हम मछली को इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि जो पकाने के वक्त इसके जो मसाला होता है इसके अंदर पूरा लग जाए और करी या जो भी बनाते हैं उसका टेस्ट बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो फ़िश फ्रेश होती है कैसे आपको पता लगेगा, मैं आपको वो बताता हूँ आगे। हमने कट्स कर लिए हैं इसके, यहाँ पे देखिए ये फ़िश बहुत ही सख्त है और ये थोड़ा शाइन हो रही है, ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये फ़िश फ्रेश है। तो ये हमारी फ़िश रेडी हो चुकी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर।